पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। एक बात हम तुम्हें बताना चाहेंगे आज स्पष्ट, तुम्हारा और हमारा रिश्ता अपने मायने खो चुका है। अब तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर कह रहे हैं, नहीं रखना हमें तुमसे कोई रिश्ता, हमारे जीवन में तुम्हारे लिए अब कोई स्थान नहीं। जिसकी पीठ में रीढ़ की हड्डी हो ही ना, सीधा खड़ा कैसे हो सकता है? जीवन साथी माना था हमने ध्रुव को, और आज उन्हें ऐसे शब्द कहने पड़े जो उस दिन उन पर चलाए तीर से भी अधिक विषैले थे। ध्रुव का प्रेम, माँ का साथ, सब कुछ गवा दिया हमने। जानते हैं आज ध्रुव को हमने स्वयं से इतना दूर कर दिया है कि अब वो यहाँ नहीं रुकेंगे, लौट जाएंगे अपनी सदी। मुझे ये रिश्ता मंजूर है, रिश्ता मंजूर है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। इसी क्षण से हम आपके हुए और आप हमारे स्वामी। परदेसी अतिथि लौट आए और उन्होंने हमारे जीवन साथी बनने के लिए हाँ कर दी। हम बता नहीं सकते हम कितना खुश हैं। परदेसी अतिथि ने आपके प्रेम को स्वीकार कर लिया। हाँ भाई साहब, और उनकी एक हाँ ने हमारी जिंदगी खुशियों से भर दी। मीनाक्षी, हम भली भांति जानते हैं कि मित्र ध्रुव अपनी पत्नी से कितना प्रेम करते हैं। भाई साहब, हमें भी उसी प्रेम की आशा है और हमें पूरा विश्वास है कि वो प्रेम हमें अवश्य मिलेगा। शौर्य बना, तो आपका दिन है, माता पूर्णिमा है, आधा उदास क्यों है? हमने तो भोजन बनाया, आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं शौर्य बना, यहाँ आओ। उदास मत तो ये हमें बताइए, वो आपको खुश करने के लिए क्या कर सकते हैं? मित्र ध्रुव, हम आप ही के पास आ रहे थे। क्या सच में हमारी बहन मीनाक्षी के साथ आपको विवाह स्वीकार है? हमारी एक विशेष अतिथि स्त्री आंगन में प्रतीक्षा कर रही है। ये भोजन की थाल उन्हें दीजिए और विनती कीजिए कि भोजन ग्रहण कर ले, और इस विषय में
किसी से कुछ कही है गवत? जो आ गया रानी साहब। ये भोजन महारानी अंतरा ने आपके लिए भिजवाया है, कृपया ऐसे ग्रहण कर लीजिए। तारा का दिया हुआ भोजन तो क्या, जल भी ना ग्रहण करें हम? हमारा मन नहीं, आप ले जाइए। जो अपमान ध्रुव का यहां हुआ है, उसके बाद एक क्षण उन्हें यहां पर हम नहीं रुकने देंगे, उन्हें साथ ले जाएंगे। ये क्या टटोली? पानी क्यों छिड़का हम पर? आप क्रोधित है ना, आपका क्रोध ठंडा हो जाएगा, आपको अच्छा लगेगा ठंडक मिली। छिड़के नहीं, नहीं बस, ऐसे तो आप बहुत प्यारे। कौन है आप? वर्षा प्रताप से। आप बड़ी है, बड़ों को पैर थूके प्रणाम करते हैं, हमारी माता ने सिखाया है। हमें पता है जो हुआ है, उसके बाद आप यहाँ नहीं रुकेंगी। हम बस चाहते हैं आप जाने से पहले हमारे पुत्र को देख लें और इन्हें आशीर्वाद दे दें। हमारी शुभकामनाएं मित्र, हम हृदय से प्रसन्न हैं और हम जानते हैं कि ये करना कितना कठिन है आपके लिए, परंतु खुश हैं कि जीवन में अपने दुख को भुलाकर खुश होने का एक प्रयास कर रहे हैं आप। खुशियों को दूसरा अवसर अवश्य देना चाहिए, यही जीवन है। आप यही प्रतीक्षा कीजिए, आगे क्या करना है, कैसे करना है, हम जानते हैं। मासा, आपके कहने पे हमने अदिति को मुस्कुराने के लिए मना लिया, अब आपके मुस्कुरा दीजिए। परंतु मासा, वो है कौन? वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अब आपके लिए भी। आप चिंतित मैं तो ही, जाइए और खेलिए। महाराज, एक विशेष कार्य है जो केवल आप ही कर सकती हैं। कैसा कार्य? मीनाक्षी परदेशी अतिथि मित्र ध्रुव से प्रेम करने लगी है। और हमारा मानना है कि ये उनके सच्चे प्रेम की शक्ति है कि गुफा में फिकवाए जाने के बाद भी मित्र ध्रुव सुरक्षित महल में लौट आए। मीनाक्षी ने अपनी प्रेम भावना का बोध श्रीमान ध्रुव से भी कर दिया है। और हमें समझ नहीं आया कैसे, परंतु मित्र ध्रुव ने मीनाक्षी से विवाह करने के लिए हां कर दी है। क्या आपने मीनाक्षी के विवाह के प्रस्ताव को हां कह दी?
पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।